हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी को एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो हाँ भाई लोग, जैसे कि आप लोग बात कर रहा था कि इतना ज़्यादा स्लाइडिंग होने की वजह से रोड फ़िलहाल के लिए सुबह से ब्लॉक हुआ था, करीब 12:30-1 बजे तक बंद रहा, क्योंकि आप सभी को पता है कि ठीक है कंगन से नेशनल हाईवे रोड ठीक आगे करीब 2 किलोमीटर आगे की ओर स्लाइडिंग हुआ, तो जो काफ़ी तगड़ा वाला स्लाइडिंग, जिसमें काफ़ी नुकसान का भी सामना करना पड़ा लोगों को, जैसा कि कुछ गाड़ियां जद में आई और साथ ही साथ काफ़ी दोस्तों और ज़मीनों को भी नुकसान हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते लगातार काम चल रहा था और फाइनली रोड को कनेक्ट करके गाड़ियों को छोड़ दिया गया, लेकिन काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ चुका गाड़ियों को लेके, ज़मीनों को लेकर दोस्तों, जिसमें फसल उगाया गया था कि उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो कल करीब दोस्तों 2 बजे से लेकर 5 बजे तक काफ़ी तेज़ी से बारिश होने की वजह से काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो बस यही अपडेट है दोस्तों, बाकी रोड ओपन हो चुका है, नेशनल हाईवे रोड लद्दाख की तरफ जो गाड़ियाँ जाते हैं और रोड ओपन हो चुके हैं, तो आप जा सकते हो और ये देख सकते हो। ठीक अगर गिर एरिया में कुछ इस तरह का नज़ारा पेश आए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो जी, यहाँ पे पिछले जिस टाइम भी दोस्तों बारिश हो जाती तो इसी समय दोस्तों यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोविजन रहे रहता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस रहे, जैसे कि इस साल फिर से हुआ है, तकरीबन पिछले 3-4 सालों बाद फिर यहाँ पे स्लाइडिंग हुआ, जैसे कि यहाँ आगे होटल देख रहे, उस टाइम ये होटल था दोस्तों, लेकिन इन्होंने क्या किया कि 3 साल तक सोचा कि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं होने की वजह से इन्होंने यहाँ पे होटल फिर बना दिया, रिपेयरिंग किया, तो यहाँ पे फिर रिजल्ट रहा कि यहाँ पे काफ़ी इनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के लिए अपना अपडेट, बाकी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट पर। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।